गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आपका। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किए हुए हैं, उसमें दो लेक्चर देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द चार्जेस और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, डैट इज़ कॉल्ड कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ जो बहुत ही जाना पहचाना फिर से ये टॉपिक होगा आपका, कूलम्स लॉ है ना, कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ में देखिए क्या क्या बात सामने आती है, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला बात, पहले क्लास में जैसा कि हम आपको बता चुके थे कि कूलम्स लॉ या फिर चार्ज जो है, चार्ज वो एक तरह का फोर्स का नाम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये फोर्स का नाम है तो ये फोर्स दरअसल इसका वैल्यू कितना होता होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको फोर्स कह देते हैं तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इट मीन्स उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो फोर्स किन चीज़ों पे निर्भर करता होगा, ठीक है। और ये फोर्स का लगने का क्या कंडीशन है, वो सारा का सारा बात क्या था, इसको बताने के लिए कूलम्स एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपना एक कानून दिया यानी कि लॉ दिया, और लॉ के हिसाब से उन्होंने जो चीज़ बताई वो क्या कहता है, कूलम्स लॉ कहलाती है। तो इसमें सबसे पहली बात कि कूलम्स लॉ में सबसे पहला बात ये बताया गया कि ये जो लॉ है वो दो चार्जेस के बीच में लगता है, यानी ये जो फोर्स है कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो दो चार्ज के बीच में लगता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों के चार्ज के वैल्यू पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी एक चार्ज जो फोर्स लगा रहा है और एक चार्ज जिस पे फोर्स लग रहा है, उस दोनों के फोर्स के मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है, सॉरी फोर्स नहीं, चार्ज के मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है। अगर मान लें कि Q1 हमारा एक चार्ज है और Q2 हमारा दूसरा चार्ज है, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें कि ये एक चार्ज Q1 है, ये दूसरा चार्ज Q2 है, ठीक है, ये Q1 और ये Q2 है, इसके तो ये दोनों का जो भी वैल्यू ऑफ द चार्ज है उस पे ये निर्भर करता है फोर्स। इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज का वैल्यू बढ़ जाएगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, अगर चार्ज का वैल्यू घट जाएगा तो फोर्स भी घट जाएगा। अगर चार्ज किसी एक में बढ़ता है तब भी बढ़ेगा, किसी दूसरे में बढ़ेगा तब भी बढ़ेगा, दोनों में बढ़ जाए तो दोनों में फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर चार्ज का वैल्यू किसी एक में घटता है तो फोर्स भी घट जाएगा, दोनों में घटता है तो फोर्स भी घट जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो फोर्स है कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डायरेक्ट निर्भर करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, और दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, ठीक है। ये लॉ का पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगेन ये जो फोर्स है वह दरअसल इसके और इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, डैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑब्जेक्ट ए एंड बी या चार्ज ए एंड चार्ज बी, इसके बीच की जो सबसे छोटी दूरी आर है ना, तो आर के स्क्वायर पे, ठीक है, ये क्या करता है, उल्टा निर्भर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, आर स्क्वायर जिस हिसाब से बढ़ेगा उसी हिसाब से एफ जो है वो घटेगा, यानी उल्टा निर्भर करना। अगर बाई देवे अगर इसके बीच की दूरी 2 मीटर है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 जो है तो 4 तो यानी ये बढ़ रहा है ना, तो यहाँ क्या होगा, 1/4 यानी 4th टाइम हो जाएगा। 1/4 का मतलब ये होता है फोर्थ कितना गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा, इसको जो है 1/4 कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये दो नियम, यानी ये जो कूलम फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये दरअसल दो चीज़ पे निर्भर कर रहा है, चार्ज पे और उसके बीच के दूरी पे, शॉर्टेस्ट दूरी पे, ठीक है। अगर हम इस दोनों को एक जगह करें तो हमको क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में R के स्क्वायर। क्लियर है बात, बताइए इतना, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फोर्स और ये चार्ज और आर स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है बल्कि प्रोपोर्शनल है, निर्भर करता है। अगर बाय द वे हमको बराबर लाना है, इसको क्या करना है, एक बराबर लाना है, तो हमको कोई ना कोई एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना होगा, यानी मल्टीप्लाई, यानी कोई चीज़ तो मिसिंग है जो दोनों को बराबर नहीं कर पा रहा है। इस चीज़ को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट टर्म से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक मान लें के कांस्टेंट टर्म है, जिससे हम लोग Q1 और Q2 बटा में R स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है बात। अब जाके ये हमारा क्या हुआ, फॉर्मूला प्राप्त हुआ, मिल गया K
के एफ इज इक्वल टू के इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि के का वैल्यू क्या है, ठीक है, या के कैसे निकाला गया। तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद के का वैल्यू हम निकाले 1/4πε0, ठीक है। यानी के हमेशा, चाहे कितना बड़ा चार्ज हो या कितना छोटा चार्ज हो, चाहे इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला चार्ज फोर्स हो, या फिर चार्ज बहुत बड़ा बड़ा स्फेरिकल शेल का हो, या कैसा भी हो, चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स के जब भी हम आते थे तो इसमें कांस्टेंट टर्म का जो वैल्यू था वो हमेशा 1/4πε0 का मान मिलता था। अब यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट जो है इसका हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे छोटा सा, मगर यहाँ देख लीजिए इसका मान कितना है 8.854, ठीक है, (10^-12), ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, याद रखिएगा। 4π का तो वैल्यू पता ही है। तो अगर इस सब को इसमें पुट कीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट को, पाई को, 4 को, तो हमको कितना मिलेगा के का मान, 9×10^9, ठीक है। और यूनिट याद रखिए के का, सिर्फ के का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये इसका के की वैल्यू, यानी के जब भी आएगा तो हमको 9×10^9 मल्टीप्लाई करना होगा, और यूनिट आपको याद रखना है ये वाला, ठीक है, क्लियर है बात। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका जो पावर है वो पावर, इसमें जो प्लस था वो माइनस होगा, जो माइनस था वो प्लस होगा। जैसे यहाँ सी माइनस में था, यहाँ सी स्क्वायर हो जाएगा। एन क्या था, प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, और एम क्या हो जाएगा, प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, बस हो गया। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला प्राप्त होता है, जिसमें के का वैल्यू 9×10^9 है, और चार्ज 1/2πr². तो ये चीज़ है जो कूलम्ब लॉ कहता है, या कूलम के हिसाब से हमको क्या मिलता है, एक फॉर्मूला मिलता है जिसके हिसाब से हम दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर हमारा पहला वाला चार्ज पॉजिटिव होता है और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव होता है ना, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस प्लस, तो हमारा कूलम फोर्स का जो इसके बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर एक माइनस होता है दूसरा प्लस होता है, तो हमारा फोर्स का वैल्यू जो होगा वो प्लस माइनस माइनस, यानी हमारा फोर्स का वैल्यू निगेटिव आएगा, ये बात को याद रखिएगा। इसके हिसाब से एक बात समझ लीजिए, अगर फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि फोर्स के बीच में लगने वाला जो जो फोर्स है वो किस तरह का नेचर का है, डैट इज़ कॉल्ड रिपल्सिव नेचर, यानी दूर भागने वाला नेचर। यानी ये प्लस प्लस आया, या फिर इसमें एक और माइनस माइनस भी आएगा तब भी माइनस में प्लस होता है, यानी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो कूलम्ब लॉ में अगर फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव मिलता है तो हमको क्या समझना है, हमको समझना है कि दो फोर्स जो लग रहा है वो रिपल्सिव नेचर का है। अगर हमारा एफ निगेटिव आता है इसका मतलब समझे कि अट्रैक्टिव नेचर का हमारा फोर्स है, ठीक है, ठीक है। तो ये था कूलम्ब लॉ के हिसाब से डेफिनेशन, या इसका जो भी है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे, इसका कुछ एडवांस टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।